आईवी इंडिया न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। बांदा में आज अटल सेना युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मौदाह में हुए तनाव के बाद पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। अटल सेना ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि मौदाह के दंगे में पुलिस ने ज़्यादातर हिंदू भाइयों पर फर्जी मुकदमे लगाए हैं और जेल में बंद किया है। उनके मुकदमे तत्काल समाप्त किए जाएँ व सभी को जेल से रिहा किया जाए। आज बांदा में अटल युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा व कहा कि बीते दिनों हमीरपुर के मौदाह कस्बे में कंस वध मेला के जुलूस में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा जुलूस में चल रही भीड़ पर पथराव किया, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई और स्थिति ने एक बड़े दंगे का रूप ले लिया, जिसमें हमीरपुर पुलिस प्रशासन ने बिना कुछ सोचे समझे लाठीचार्ज व आंसु गैस के गोले का प्रयास किया, जिसमें कई आम नागरिक व आम नेता घायल हुए और यह दंगा करीब 3 दिनों तक चला, जिसमें भाजपा नेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने पर माहौल शांत हुआ था। पुलिस पर आरोप लगाते हुए अटल सेना ने कहा कि इस पर हमीरपुर पुलिस प्रशासन ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए हिंदू भाइयों पर फर्जी मुकदमे व कई निर्दोष हिंदू भाइयों को जेल में बंद करने का कार्य किया है, जिसमें कई जिलों में हिंदू समाज में रोष व्याप्त है, जिसमें बांदा जिला भी शामिल है। कहा कि हमारी अटल युवा सेना की टीम इस दंगे की निंदा करती है व मांग करती है कि जितने भी निर्दोष हिंदू भाई हैं उनके भाइयों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, वह जेल में बंद किया गया है, उन्हें मुकदमे को तत्काल हटाया जाए। हमारे भारत देश में कई सालों से हमारे हमीरपुर जिले के मौदाहा कस्बे में कई सालों से कंस वध यात्रा निकाली जाती थी, जिसमें हर साल निकाली गई, संपूर्ण रूप से निकली। इस साल जो हमने कंस यात्रा निकाली उसके दौरान जो अराजक लोगों ने कुछ अभद्रता का प्रयोग किया, जिसमें हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर हमला हुआ, हिंदू भाइयों के ऊपर पथराव किया गया और घर में बहन बेटियों को जाकर के मुस्लिम वर्ग के लोगों ने हिंदू भाइयों के घर में घुस करके मारपीट की, जिसमें हम पुलिस प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करके हमारे हिंदू भाइयों को कारावास और कुछ लोग ऊपर मुकदमे लगा करके कारावास भेजा, जिसमें हम लोग पुलिस प्रशासन से ये मांग करने आए हुए हैं कि हमारे जो हिंदू भाइयों के ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं और कारावास भेजा गया, उनको कारावास से मुक्त किया जाए और उनके ऊपर से मुकदमे हटाए जाए।